मेरी एक मित्र मंडली थी उत्तरकाशी में, तो हम रोज कोई कोई चर्चा करते थे। एक दिन चर्चा मक्खी पे हुई, मक्खी पे हम चर्चा करने बैठ गए और बताया कि कभी कभी मन मक्खी की तरह से होता है, मक्खी मल और मिष्ठान में भेद करना नहीं जानते, बस मक्खी मल और मिष्ठान में भेद करना नहीं जानते, इतनी जड़ है वो, उसे ये पता ही नहीं कि वो है पदार्थ या वो एक मिष्ठान, वो धूल और फूल दोनों पर बैठती इकट्ठी, उसे पता नहीं, वो किसी एक अपात्र एक मैले बर्तन पर भी भिन भिना रही है और भैया वो महात्मा के कमंडलों के आसपास भी भिन भिना रही है, और झूठे बर्तन के पास भी वहां झूठन के ऊपर बैठी है, पूजा के फूल के पास बैठी है, वो मल पर बैठी है, मिष्ठान पर बैठी है, उसे पता ही नहीं। तो मन जो है कभी वो मक्खी की तरह से है, जिसे ये पता ही नहीं है कि वो कहां बैठा है, इस समय कहां है। तो जिस दिन आप इतनी बारीकी में जी सकें कि आपका मन कहां बैठा है, यहां बैठे आप, निकल यहां से, यहां क्या कर रहे हैं, यहां से मिलना क्या है। तो जिस दिन मन को आप निकाल सके, पूरे पूरे मन को, और कुछ देर के लिए अपने पास रख सके, उससे विषय छीन सके पूरे, और विषय में ही रहना चाहता है तो कोई अच्छा विषय दे सके, तब अपनी डायरी में पहले पन्ने पे लिखना कि अब साधना की शुरुआत हो रही है, फिर डायरी निकालना, ठीक है, उसके पहले पन्ने पे लिखना कि हां अब मैं साधना की दिशा में, अब मेरे प्रयास आरंभ हो रहे हैं, कि मैं ये जान पा रहा हूं, हम ये समझ सके कि हम बहुत देर तक कहां जुड़े हुए, और जहां जुड़े हैं वो ठीक नहीं। तो जिस दिन ऐसा कर सके हम, उसके लिए ज्ञान चाहिए, बड़ा ज्ञान चाहिए, उसके लिए बड़ा संयम चाहिए, बड़ा संयम चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी एकाग्रता चाहिए आपको, उसके लिए बहुत बारीकियां आपके आसपास हों कि आप निकाल के ला सके मन को वहां से जहां उसे नहीं रहना चाहिए।